समाज के हितों को लेकर काम कर रही द गोल्डन बर्ड्स चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था द्वारा समय समय पर समाज के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य किए जा रहे हैं। बुधवार को पागबड़ा के गांव समाथल पहुंचे संस्था के सदस्यों की टीम द्वारा गांव के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कॉपियों का वितरण किया गया और कहा गया कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इस ओर आगे आना चाहिए और जरूरतमंदों की बढ़ चढ़ कर मदद भी करनी चाहिए। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही समाज सेविका वसुंधरा अग्रवाल द्वारा कहा गया कि उनका संगठन हमेशा ही कमजोर और जरूरतमंदों की मदद करता रहा है। पागबड़ा के गांव समाथल के प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक संस्था द गोल्डन बर्ड्स चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चों को कॉपियों का वितरण किया गया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस दौरान कहा गया कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं। इन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी पुस्तकों की जरूरत है। सरकार द्वारा बच्चों को किताबें तो दी जाती हैं लेकिन कॉपियां नहीं दी जाती। हमारी संस्था द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम ऐसे बच्चों को कॉपियां उपलब्ध कराएंगे जो बच्चे कॉपियां खरीदने में असमर्थ हैं। आज यहां पहुंचकर इन बच्चों के बीच बैठकर हमें काफी खुशी मिली है और हमारे ये बच्चे अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस स्कूल के सभी बच्चे आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने घर और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। सिटी चैनल से बात करते हुए द गोल्डन बर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था की उपाध्यक्ष वसुंधरा अग्रवाल द्वारा कहा गया। किस उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया है? सर, ये हमारी संस्था है द गोल्डन बर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये अभी 2 साल भी होने वाले हैं तब हमने बनाई थी। तो इसके तहत हम ये छोटे छोटे काम करते रहते हैं समाज सेवा के। तो इस बार हमारा ये लक्ष्य था कि ये जो बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं उन्हें हम कॉपी प्रोवाइड कराएं। कौन से स्कूल पहुँचे थे आज आप? हम आज ये जिला मुरादाबाद में समाथल गाँव है जहाँ के सरकारी स्कूल जूनियर हाई स्कूल में है इस टाइम हम, और यहाँ के बच्चों को आज हमने साइंस की और हिंदी की कॉपी बांटी है। अच्छा, इस स्कूल के मन से क्या संदेश देना चाहते हैं आज? हमारा कहना यही है, जिस तरह ये हमारे मन में आई है भावना कि बच्चों के साथ जो परेशानी है कि गवर्नमेंट ने बुक्स बैग वगैरह तो देती है लेकिन कॉपी वगैरह का कोई अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए हमारे माइंड में आया कि बच्चों को कॉपी दी जाए। ये लोग काम करने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे ही हमें देख के शायद कुछ लोग और भी प्रेरित हों जो इस चीज़ के लिए आगे आए कि अपनी तरफ से सहयोग कर सकें। ये भी काम हमारा बहुत लोगों के सहयोग से ही संपन्न हुआ है आज, इसी तरह की और लोग भी प्रेरित हों और किसी भी गांव में किसी भी जगह के आर्थिक रूप से जो परेशान बच्चे हैं उनकी हेल्प करें। कॉपियां प्राप्त कर अपनी पढ़ाई में लीन दिखाई दिए, बच्चों से बात की गई तो बच्चों द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया। क्या नाम है आपका? सिफा। कौन सा विद्यालय आपका ये? किस क्लास में पढ़ती हो आप? एक क्लास में। अच्छा, आज आपके विद्यालय में कौन महिलाएं आई हैं? क्या किया है इन्होंने यहाँ पे आके? कॉपियां बांटी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, अच्छा, और क्या चाहते हैं आप? थैंक्स बोलना चाहते हैं। का? माय नेम इज इरम। कौन सा विद्यालय जहाँ पढ़ते हैं आप? प्राथमिक विद्यालय समाधान। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? जो 8 क्लास। अच्छा, आज कौन आए थे आपके स्कूल में? ये क्या किया है इन्होंने यहाँ पे आके? कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं इनके लिए आप? थैंक्स बोलो या नहीं बोलो? इस मौके पर संस्था के सदस्यों में मुख्य रूप से वसुधा अग्रवाल, प्रियंका, विनीता, संगीता, प्रियांशी, कृष्णा, शिप्रा और उनका साथी स्टाफ भी मौजूद रहा।